नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौजूद सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है सुपर फास्ट 3 में आपको 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। ये वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज तरार अंदाज में आपके सामने रखने का। यकीन मानिए, एक भी खबर छूटेगी नहीं, आपके सिर्फ 8 मिनट ही खर्च होंगे और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए 8 मिनट में 80 की स्पीड से दिखाते हैं आपको खबरें। दिल्ली के अंजलि केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, वारदात के वक्त इलाके में तैनात 11 पुलिस वाले सस्पेंड। अंजलि केस में धारा 302 जोड़ने पर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक, अंजलि के फंसे होने पर कार 13 किलोमीटर तक दौड़ाने को आधार बनाया जाएगा। कंजावला केस में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई सामने, कार में सवार सभी आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि हुई। कंजावला केस में पुलिस पर एक्शन होने से अंजलि का परिवार खुश, अंजलि की मां बोली पहले ही सस्पेंड होने चाहिए। अंजलि के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद दी, विधायक ऋतुराज ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी भरोसा दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 1 जनवरी को अंजलि की हुई थी मौत, स्कूटी से टक्कर के बाद आरोपी कार के नीचे अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन की संदिग्ध मौत, 3 दिन से लापता राजश्री का कटक के जंगलों में लटका मिला शव। यूपी की मेरठ में बस में घुसकर 11वीं की छात्रा को गोली मारी, छात्रा के कंधे पर लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीवी अभिनेत्री तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी एक्टर श्रीजान की जमानत अर्जी वसई कोर्ट में खारिज। तुनिशा मर्डर केस में श्रीजान खान की मां को भी आरोपी बनाने की मांग, मुंबई पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिला तुनिशा का परिवार। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले श्रद्धा के पिता, पूछा लापरवाही के आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन कब होगा। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी प्राइवेट बिजली कर्मी के माता पिता की हत्या की, घर से नकदी ज्वेलरी ले गए बदमाश। यूपी के झांसी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल, जन्मदिन की पार्टी पर बार बालाओं का डांस, युवक तमंचा लहराता हुआ मंच पर आया। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति हुई कर, कवायद तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। यूपी के हरदोई में युवती को जिंदा जलाकर मारने का हुआ खुलासा, प्रेमी ने अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलिया में नाबालिग लड़की से अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, लड़की को लेकर आरोपी गुजरात चला गया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट, जूनियर छात्र ने लगाया सीनियर पर मारपीट का आरोप। आगरा में पुलिस ने वसूली के लिए निर्दोष व्यक्ति को वारंटी बताकर किया चौकी में बंद, 10,000 की रिश्वत लेने के बाद छोड़ा दारोगा सस्पेंड। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 40 छात्र छात्राओं का एडमिशन पाया गया फर्जी, सभी का एडमिशन कैंसिल कर दिया। राजस्थान के जयपुर में शिक्षक भर्ती लीक घोटाले के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिराया गया। हरिद्वार में पेपर लीक मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का मामला आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार में लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन भी किया। भर्तियों में करप्शन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द एक नकल विरोधी कानून लाएगी, दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। हरिद्वार में 22 साल की कार्तिक का बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से बरामद हुआ शव, युवक के परिजनों ने को आया था 70 लाख की फिरौती का फोन। बिहार को बम धमाकों से दहलाने की साजिश बेनकाब, खुफिया सूचना पर दंगे के आरोपी के घर से फलों की टोकरी में छुपाया बमों का जखीरा बरामद। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में कई केस दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथी गुरप्यार सिंह की पुलिस के साथ मुठभेड़, घायल गुरप्यार अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के करीबियों पर ईडी के छापे, रायपुर में 2 आईएएस अफसरों और पूर्व एमएलए अग्नि चंद्राकर के घर पर छापा। ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकट एजेंट गिरफ्तार, स्पाइस जेट के विमान में बम की झूठी खबर दी थी, दोस्त के लिए फ्लाइट डिले करना चाहता था।
अभिनेत्री नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में दर्ज कराया बयान, 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा पर लगे आरोप। 17 फरवरी से दिल्ली से शुरू होगी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, 7 दिनों में अयोध्या से नेपाल के जनकपुरी तक करवाएगी दर्शन। मुंबई के लोगों को जल्द मिलने वाला है मेट्रो के दूसरे फेज का तोहफा, ट्रायल रन में सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने लिया हिस्सा। देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार, उत्तरायण होने के साथ ही आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज अहमदाबाद में उत्तरायण पर मनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे त्यौहार। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा माघ मेले का दूसरा स्नान, 50 लाख लोगों के स्नान करने की है उम्मीद। हरिद्वार में मकर संक्रांति के त्यौहार पर श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान, 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान। मकर संक्रांति स्नान पर निर्मल गंगा के दावे दिखे खोखले, यूपी के उन्नाव में गंगा में सीधे गिरता दिखा नालों का जहरीला पानी। काशी की तर्ज पर कोलकाता के घाटों पर भी गंगा आरती कराएगी ममता सरकार, इसके लिए आज से घाटों पर काम शुरू हो रहा है। अमृतसर में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्यौहार, भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित होता है त्यौहार। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्यौहार, लोगों ने नाच गाकर त्यौहार मनाया। लोहड़ी पर कानपुर में ढोल नगाड़ों पर थिरके लोग, लोगों ने आग जलाकर तिल गुड़ रेवड़ी चिड़वा डालकर की परिक्रमा। पटना में भी लोगों पर दिखा लोहड़ी का खुमार, भांगड़ा की धुन पर महिलाओं ने जमकर लगाए चुमके, सिख समुदाय के रंग बिरंगे दिखे लोग। राजस्थान के बांसवाड़ा में चाइनीज मांझे से राह चलते युवक की गर्दन कटी, गर्दन पर लगे 10 टंके। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली क्रिकेट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 18 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच सीरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ की इंडियन टीम में वापसी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिया गया आराम। जोशीमठ जिला प्रशासन का दावा, इलाके में 760 इमारतों में आई है दरार, 147 मकान असुरक्षित घोषित। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने देर रात राहत शिविरों का किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए लोगों के साथ किया भोजन। जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए कैंप, सभी लोगों के लिए किचन की भी की गई है व्यवस्था ताकि किसी को किसी भी समय खाना मिल सके। धामी कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर रोड मैप जारी, नई टीरी की तर्ज पर जोशीमठ को बसाने की तैयारी, 45 करोड़ की आर्थिक मदद को कैबिनेट की मंजूरी। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी, लोगों का दावा परियोजना की वजह से घरों में पड़ी दरार। जोशीमठ के सिंहधर में जमीन धंसने का सिलसिला जारी, हालात बिगड़ने से इलाके के लोगों में दहशत। कर्णप्रयाग में घर खाली करने की नोटिस पर भड़का इलाके के लोगों का गुस्सा, कहा प्रशासन पहले तय करे सही मुआवजा। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, कहा धामी सरकार जोशीमठ मामले में कर रही है अच्छा काम। जोशीमठ के घर में दरार और बेटे की शादी की चिंता में बेदम हुआ एक परिवार, कहा अपने घर को छोड़ने का दर्द बताना नामुमकिन। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ जैसे हालात, पहाड़ों के दोहन और सरकार की उदासीनता की वजह से जमीन धंसने का मामला आया सामने। उत्तराखंड में पहाड़ों के कटाव को भी माना जा रहा है जमीन धंसने की बड़ी वजह, सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के कारण भी दरक रहे हैं पहाड़। जानकारों का मानना है कि सड़क के मलबे को नदियों में फेंकने से पैदा हो रहा है बड़ा संकट, नदी रास्ता बदलने के साथ कर रही है कटाव। जानकारों का दावा, उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाएं बड़ा खतरा, पहाड़ों के नीचे हो रही खुदाई से ऊपरी हिस्सा पड़ रहा है कमजोर। माना जा रहा है जोशीमठ के धसते ही आसपास के इलाकों में आएगी बड़ी तबाही, नदियों का बढ़ेगा जलस्तर, हरिद्वार तक मचेगी तबाही। बजट सत्र के बाद होगा मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, चिराग पासवान और शिंदे गुट के नेताओं को किया जा सकता है शामिल। आज मनाया जाएगा 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है यह दिन। आज देहरादून में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिले में बर्फीले तूफान का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के बालचाल में बर्फीले तूफान में फंसे दो मजदूर रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। श्रीनगर में बनिहाल और बदरवाह समेत पूरे कश्मीर में गिरने लगी बर्फ, कई मैदानी इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी शुरू, बंद किया गया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, उड़ानें भी प्रभावित। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम के चलते हुई सभी उड़ानें रद्द, प्रभावित यात्रियों को अगली फ्लाइट में दिया जाएगा टिकट। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे किया गया बंद, यात्री फंसे जवाहर सुरंग के दक्षिण हिस्से से आवागमन शुरू किया गया। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी, यात्रा पर कोई असर नहीं, हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार सेवा को रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर आवाजाही बंद, अगले दो दिन तक हल्की बारिश और बर्फबारी का है अनुमान। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी शुरू, कारगिल में 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया तापमान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आया बर्फीला तूफान, शिमला में भी हुई बर्फबारी, सड़कों पर फंसी गाड़ियां, आवाजाही पर पड़ा असर। दिल्ली में फिलहाल ठंड का सितम थोड़ा हुआ कम, पहाड़ों में भारी बर्फबारी, 1 से 2 दिन में बढ़ सकती है दिल्ली NCR में भी ठंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।